हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो आज हम फिर से लेके हाजिर हैं, न्यू वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया यूज़फुल वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर अंत तक देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो क्या होता है, हमारी जो गैस की जाली होती है बहुत ही गंदी हो जाती है, इसको हम कैसे साफ़ करेंगे? बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगी, बिना रगड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसका। हम बनाते हैं, एक कप पानी डाल लिए हैं और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जो होता है बेकिंग सोडा, जिसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, उसको डालेंगे। और एक चम्मच विनेगर डालेंगे, गन्ने का सिरका जिसे जो होता है, अगर वो वाइट वाला है तो आप वाइट वाला भी डाल सकते हैं। इस तरह से इसको हम डाल करके और इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में क्या करना है आगे देखते रहिए। तो फिर इसमें हम एक पैकेट इनो डाल देंगे। इनो जो होता है ये हमारे बर्तनों को बहुत जल्दी ही क्लीन कर देता है। तो देखिए इसमें झाग बनने लगी है। अब इसमें क्या करेंगे, हम ये जाली इसी के अंदर डाल देंगे और इसी के साथ में हम और ढेर सारे बर्तन भी साफ़ करेंगे। तो जो जैसे हमारे बर्तन के पीतल के बर्तन होते हैं पूजा वाले, उनको भी साफ़ करने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो इसलिए इसी में हम इनको भिगो देंगे और ये भीग जाएंगे, बहुत ही बढ़िया से साफ़ हो जाएंगे बिना रगड़े हुए। और बहुत ही बढ़िया है वीडियो, आप लोग ज़रूर एक बार देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इस तरह से हम इसको भिगो के रख देंगे। ये देखिए, ये बड़ा वाला लोटा हमारा बहुत पुराना है और काफ़ी गंदा भी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना गंदा है। तो इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और अपना काम तब तक कर लेते हैं और ये हमारे भीग के तैयार हो जाएंगे। तो अपने आप ही ये साफ़ हो जाएंगे, हमको रगड़ना नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, ये आधा घंटा हो गया था, उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा जो है ये जो स्क्रबर होता है इसको ले करके और इससे हम हल्के हाथों से रगड़ देंगे और रगड़ साबुन से धुल देंगे ताकि जो इसमें कालापन है वो सब छूट जाएगा। तो ये देखिए, मैं अच्छे से आपको साफ करके दिखा रही हूँ, कितना अच्छा क्लीन हो जा रहा है और ज़रा सा भी टाइम नहीं लग रहा है। ये देखिए, हमारा लोटा चमकने लगे हैं बर्तन। तो ये जो पानी बचा हुआ है इसको हम पहले साफ पानी से धुल लेते हैं एक बार, और जितनी गंदगी थी वो सारी निकल गई है और हमारे बर्तन भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गए और जाली भी हमारी देखिए बहुत अच्छे से साफ़ हुई है। तो इस तरह से इसको हम साफ़ पानी में धुल करके साइड में कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, वो पानी जो बचा है उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको भी बहुत यूज़फुल है, उसको भी हम आगे क्या करने वाले हैं तो आप लोग आगे देखते रहिए। इस तरह से इनको हम सारे बर्तनों को धुल के साफ़ करके एक थाली में लगा देंगे और उसी में हम जाली रख देते हैं। बहुत ही अच्छे से ये काम हमारा हो जाता है और समय भी नहीं लगता है और एक मिनट में सारा काम हो जाता है। अगर हम थोड़ी देर भिगो के रख देते हैं तो हमारे बर्तन बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। तो ये जो बचा हुआ होता है, क्या होता है, हमारा तवा जो होता है बहुत गंदा हो जाता है, उस पर पराठे बनाते हैं उसकी वजह से, तो साफ़ करना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो इस पर क्या करेंगे, यही जो बचा हुआ पानी है उसको मैंने डाल के रख दिया है और जब तक उस पर लगा रहेगा तब तक हम बर्तनों को अपने कपड़े से, सूती कपड़े से पोंछ लेते हैं ताकि ये पानी जो हमारा सूख जाएगा। फिर आपको आगे बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ आगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखते रहिए और एक लाइक तो ज़रूर कर देना इस वीडियो के लिए, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना सब्सक्राइब करते। तो ये देखिए, हमारी गैस कितनी अच्छे से साफ़ हो गई, तो अच्छे से जलने लगी। अब क्या होता है, गैस का जो नॉब होता है ये साफ़ करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी ऐसे चाकू से साफ़ कर देते हैं ऊपर से, लेकिन मैं इस नॉब को निकाल लें, आसानी से निकल जाती है और फिर हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम चाकू की सहायता से इसको सारा खुरच देंगे। देखिए सारा ये कितना निकला है, फिर ये गीला कपड़ा कर करके और इसको हम अच्छे से क्लीन कर देते हैं और फिर उसी तरह से नॉब लगा देते हैं। इसी तरह हम दूसरा वाला आपको दिखाते हैं किस तरह से हम इसको साफ़ करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको भी साफ़ कर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। अब ये देखिए, हमारा ये जब तक कि हम उधर गैस को साफ़ किए हैं तब तक कि हमारा तवा भी इस पर रखा रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हल्का सा रगड़ दिए हैं और धुल दिए हैं, कितना अच्छा क्लीन हो गया। अब क्या करेंगे, क्या होता है, जैसे कि गीला होता है ऐसे रख देते हैं तो इसमें जंग लग जाती है, इसके वजह से हम क्या करेंगे, हल्का सा तेल लगा के इसको छोड़ देते हैं। तो आगे क्या करने वाले हैं, आलूओं को हम, जैसे कि कभी कभी मन करता है सब्जी ना खाने का और हमारा मन करता है हम भून के खाएं और यहाँ आग नहीं मिलती है, तो इसलिए चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से हम बिना आग के भी आलू कैसे भून सकते हैं।
तो ये देखिए इस तरह से हम इसको दो टुकड़ों में काट लेते हैं। काटने के बाद में आगे क्या करने वाले हैं आप लोग देखते रहिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप लोग देखिए इस तरह से दो भाग कर लेते हैं और फिर कढ़ाई में हम आधा दो तीन बूंद तेल डाल करके और उसी कढ़ाई में इस तरह से हम रख देंगे सारे आलूओं को और इसको गैस पे चढ़ा देने। ये 15 मिनट में आलू हमारे पक के तैयार हो जाते हैं, तब तक हम और काम कर लेते हैं। तो है ना यूजफुल वीडियो, तो आप लोग भी इसको ज़रूर फॉलो करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना। तो इस तरह से देखिए अब हम इसको 10 मिनट के बाद पलट देते हैं और ये 15 मिनट में बिल्कुल क्लीन बन जाते हैं। आप लो फ्लेम पे पकाइए, अगर तेज़ कर देंगे तो आलू हमारे जल जाएंगे लेकिन टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल लो पे पकाया है और ये देखिए आलू हमारे पक के तैयार हो गए हैं और बर्तन भी नहीं ख़राब होगा। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं बिल्कुल भी कढ़ाई में हमारे कुछ नहीं महसूस हो रहा कि हाँ हमारा ये जो है कढ़ाई में हम कुछ बनाए हैं। तो क्या होता है कभी कभी दोपहर में चावल बच जाता है और कोई चावल खाने को तैयार नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक हमने ये दो टमाटर काटे हैं छोटे छोटे ग्रीन वाले और अब इसमें हम एक चम्मच तेल डाल देंगे। आलूओं को तब तक छील लेते हैं और उसके बाद में एक शिमला मिर्च को हमने बारीक काट लिया है और हरी मिर्च है, प्याज है और हरी धनिया है, एक चम्मच जीरा डाल दिया है और इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे और उसके बाद कटा हुआ मिर्च डाल देंगे और प्याज डाल देंगे इसी में। इसको थोड़ा सा हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे और बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, बच्चे भी खा लेते हैं, सभी को पसंद आ जाता है। बहुत ही झुककर तरीके से हम बता रहे हैं और ये जो पेड़ में लगे थे हमारे टमाटर वही हम तोड़ के लाए थे, वही डाले हैं। तो इस तरह से इसको हम पका लेते हैं। अब इसमें हम कोई मसाला नहीं ऐड करेंगे, जो हम नमक डाल बना के रखते हैं इसका वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी डाल चुके हैं अपने चैनल पे, आप उस पर जाके देख सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया बनता है, इसमें सारे मसाले ऐड होते हैं। तो इसमें हम एक चम्मच विनेगर डाल देंगे और इसको हम ढक करके थोड़ा सा एक दो बूंद पानी डाल करके इसको पका लेते हैं। पकाने के बाद में क्या करेंगे, इसको हम ढक देंगे। तो है ना कमाल का अभी हमारा आइडिया ये कि चावल बच जाए और बच्चे भी खा लें और सबको अच्छा भी लगे। तो इसी में हमने एक आलू को फोड़ के डाल दिया है और कटा हरा धनिया डाल दिया। अब देखिए सारे ये मसाले पक के तैयार हो चुके हैं, अब इसी में हम चावल को फ्राई कर लेते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, बिल्कुल जैसे कि हम फ्राई राइस खाते हैं बाहर से, बिल्कुल वही स्वाद आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और फिर कमेंट करके हमको ज़रूर बताना कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो देखिए कितना अच्छा हमारा फ्राई राइस बनके तैयार हो चुका है। तो आगे क्या होता है, जब हम आलू बनाए हैं भुने हैं तो हमें लगता है कि मैं चूल्हे की रोटी खाऊं, तो इसके लिए हम क्या करें, नहीं होता है चूल्हा तो हम गैस पे ही मोटी रोटी बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने बड़ी सी लोई ले ली है और गदेली की सहायता से इसको हम अच्छे से बढ़ा देंगे उंगलियों से और बढ़ाने के बाद में देखिए तवा हमारा गर्म हो चुका है, उसी पर हम डाल देंगे और मोटी रोटी है आप देख सकते हैं जैसे कि हम चूल्हे पे बनाते हैं उसी तरह से। तो उधर दूसरी रोटी भी डाल दी है, अब इसको हम लोग बिल्कुल धीमी गैस पे इसको हम हल्के हल्के घुमाते हुए इसको सेक लेंगे और बहुत ही टेस्टी रोटी और हमारा भरता बनके तैयार हुआ था और सभी को बहुत पसंद आया था। तो ये हमारी छोटी छोटी टिप्स कैसी लगी आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखिए बिल्कुल ये हमारी रोटी चूल्हे की जैसी बनके तैयार हो चुकी है। और तो चलिए आप लोग भी इसको एंजॉय करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि हमारा ये छोटा छोटा टिप्स आप लोगों को कैसा लगा। तो इस तरह से हम इसको आलू को फोड़ करके इसमें हम थोड़ा सा कटा हरा धनिया, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाल करके और वही मसाला हम डाल करके इसको हम मिक्स कर देते हैं। अगर आप ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं तो आप इसमें और कुछ भी डाल सकते हैं, भुना जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, लेकिन ये मसाला डाल करके इस तरह से हम इसको मिक्स कर दिए। तो लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग।